In this video tutorial, we are going to discuss about Part Two of Ayushkamiya Adhyaya. In Part One of Ayushkamiya Adhyaya, we discussed about purpose of Ayurveda, Ayurveda avatara,na importance of Astanga Rudaya, branches of Ayurveda, and description of Tridoshas. We completed in the Part One of this video. In the Part One, Part Two, we are going to discuss types of digestive fires, that is Agni.

Mandas Agni Samai Samaha. There are four types of Agni. Agni we can correlate with HCR and other digestive enzymes. There are four types of Agni namely Vishamagni, Agni, Visham Agni, Agni, Mandagni, and Samagni. Okay, let's deal with the Vishamagni. Visham Agni. is influenced by the Vata Dosha. Person may have low appetite and sometimes high appetites.

High digestion power and appetite, here the person's digestive capacity is high and person feel appetite, more appetite in the agni Next is the Mandagni, influenced by the Kapha dosha. Low digestion power, low appetite, here the digestive power is low. So the process of digestion is low. It means the appetite is also low. If, if the digestion power is high, then persons get the hungry.

सम समा सम ऑल आर इन इक्वल लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दट इस टाइप्स ऑफ कॉस्ट कॉस्ट वी कैन डायरेक्टली कोरिलेट विद दि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉस्ट क्रूरो मृदु मध्य मध्य सात कॉस्ट क्रूरो मृदु मध्य देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉश्ठ क्रूरो कॉष्ठ मृदु कॉष्ट मध्य क्रोष्ठ There are T type of digestive tract Krura Costa. First, we look at the Krura Costa influenced by the Vata Dosha and takes long time for digestion. Okay, here the time for digestion is a long. Bowel evocation will be irregular. It's not at a time, it is an irregular bowel evocation. Let's move to the next Kosta. that is a mrudu Costa. Murdu Costa. टेक् शॉर्ट डाइजेशन पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ डाइजेशन इज शॉर्ट. शार्ट मिट मीन द डईज पवर इज हाई डाइजेशन पावर इज हाई सो पीरियड ऑफ डाइजेशन शॉर्ट सेंसिटिव स्टमक इट इसटिव स्टमक नैक्स्ट इज अ मध्या हकोष्ठ मध्य मीन नार्मल नार्मल डैजेस्टिव ट्रैक्ट इंफ्लून्स् बै द्रिदोष बैलेंस बोवल एवोकेशन आट अप्रोप्रियट टाइम इट मीन अ नार्मल

खर सूक्ष्म लो अनल दिस्ज दोटेशन तरक्ष लगु शीत सूक्ष्म अल अल मीनि वात ले द मीन ऑफ द्वालिटी इज आर्थ्रैने लघु लाइट्ने शीत कॉडने कर रफ्ने सूक्ष्म तत्र चल मूमेंट तुक्षा कर सूक्ष्म चलो

तीक्ष्ण तीक्षण मीन ए पियर्सी और स्ट्रांग उष्ण हॉटनेस, लघु लाइट इन नेचर विश्रम पंजेंट स्मेल सर हैविंग फ्लूइडिटी द्रव इट इस लिक्विडिटी स सस्नेह तीक्षण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव प्लीज़ बै दिस श्लोकस दिस आर वेरी बेसिक श्लोकस यू मस्ट एंड शुड दिस श्लोकस लेट्स मूव टू द टॉपिक कफ दोष क्वालिटी आफ कफ दोष स्निग्ध शीतो गुरु मंद स्लेक्शन सिरह स्थि यू हेव टू रिमेबर अपोजिट क्वालिटी आफ वाता इज आल कफ स्निग्ध आईलैस दे रफ्ने इन दि वात शीत को गुरु हेविनेस वी द दाइट इन दि वात मंद मैल स्लेक्षणा स्मूथ एंड क्लियर मूर्छनाना स्लाइमी एंड जेली स्थिरह स्टेबिलिटी दीस आर द क्वालिटीज ऑफ कफ दोष लेट्स सी वंस अगेन स्निग्द शीतो गुरु मंदा स्लैशना मूर्छनाना स्थिरह कफह ओके लेट्स मूव टू आवर टॉपिक सप्त धातु एंड त्रिमलास सप्त धातु एंड त्रिमला बाय वर्ड सप्त मींस सेवन धातु टिश्यू त्री, means त्री मला वेस्ट थिंग्स ऑर् ओकेट्स okay, डी रस अश्रुक मंस मेधो अस्ति मज्ज शुक्रणी धातव सुषा मल मूत्र सक्रुद स्वेदी चि कॉटेशन इज वेरी सिंपल रस अश्रुक मंस मेधो अस्ति मज्ज शुक्रा धातव आर् धातु धातु मीन द टिश्यू सप्त मलामूत्र शक्र स्वेद अभी चाहिए मीनिंग ऑफ दुश दूश मीन दॉडी टिश्यू एंड दिमलास् आर्ज दूष वाटर दूष बाॉडी टिश्यू एंड मला दाटर् सप्त मीन सूस्त सॉरी सप्तूश नो सप्त धातू मुठा रस अश्रुख और रक्त अश्रुक मीन ब्लड रक्त रस अश्रुक मंस मेद अस्थि मज्ज एंड शुक्र रस मीन द ग्रॉसली कंपेर्ड विथ लिम एंड प्लाज्मा विंडलेट विथ मॉडर्न एन एट बट टू अंडर्स्टैंड वी कैन को अप टू सम एक्सटैंट इट इस नाट कंप्ली ए सें ऐसन बोथ आर्फरेन्ट बहुत आर समाट यूनिकने इफ यू आर्टिंग आयुर्वेद यु वि सम यूनिकने इन आयुर्वेद टू सो ट्राई टू एंजॉय इट रस ग्रॉसली कंपेर्ड विम् एंड प्लाजा नेक्स्ट इस रक्त और अश्रुक अस्रुक मीन ब्लड मांस मजल मेदो फैट टिश्यू अस्थि बोन्ज बोन म्यारो सेवं धातु इस शुक्र धातु इट इस इन मेल ओ आ मीन फिमेल शुक्र इज अ धातु नेक्स्ट वी सी द द्री द थ्री मेन वेस्ट ऑफ द बॉडी दिस आर द सेवन टिश्यूज ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मूत्र शक्रुद स्वेद वो अभी च मूत्र द यूरिन शक्रुद फीसस् स्वेद मीन द स्वेट दिस थ्री आर द थ्री मलास्त्री वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी These are the seven tissues of the body. These are three waste. Both tissue and the waste products are called as Dusha. If okay, guys, we move to the next concept. That is the nature of increase and decrease. Vritti samayana sarvesham viparita, viparya Before starting, before understanding this quotation, let's understand the heading principle or nature of increase and decrease. Vritti increase. समाने इफ सिमिलर थिंग्स वी एडिंग द देर विल बी इंक्रीज विपरीत विपरीय इफ् वी एड अपोजिट थिंग्स देर विल बी रिडक्शन वृद्धि मीन इंक्रीज वृद्धि समान है सर्वेश इट टू प्रिंसिपल ऑफ होमोलोग एंड हेट्रगस इन मॉडर्न होमोलॉगस मीन एडिंग द सिमिलर थिंग्स ई विव एंड एग्जापल मांस वृद्धि इफ इट कंस्यूम विल बी इंक्रीज ऑफ द मांस धातु मांस नंस वृद्धि ई गिव अनदर एगामपल रक्त ना रक्त वृद्धि डू द रक्तपान ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ एनिमल देर इज अ इंक्रीज ऑफ द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज अ हमोलॉब्स प्रिंसिपल इफ इ टेक् सिमिलर क्वालिटी थिंग्स लीड टू द इंक्रीज इनक्रीजल क्वालिटी लीड्स टू इंक्रीज

Then the vata of the dispersion will get increased. This was the concept of Ruddhi Samana Viparita Viparya. Nature of increasing and decreasing. Many Ayurvedic medicines work on these concepts only. If you liked our video, please share, subscribe, and share with your friend guys. Thanks for watching.